पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक हामिद अंसारी की आज जेल से रिहाई हो जाएगी। उनके जेल से छूटने पर उनके माता पिता का बयान आया है। हामिद के माता पिता 3 वर्ष बाद बेटे के जेल से आने की खबर पर काफी खुश हैं। हामिद को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों ने 2012 में गिरफ्तार किया था। फर्जी पाकिस्तानी पहचान पत्र रखने के आरोप में सैन्य अदालत ने उसे 15 दिसंबर 2015 को 3 साल की सजा सुनाई थी। सजा सुनाए जाने के बाद मुंबई निवासी हामिद को पेशावर सेंट्रल जेल में रखा गया था। उनकी 3 साल की सजा 15 दिसंबर 2018 को पूरी हो गई, लेकिन कानूनी दस्तावेज तैयार नहीं होने की वजह से उन्हें रिहा नहीं किया जा सका। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जिस तरह से देश में 1984 में सिख दंगे भड़के थे, उनके मुख्य आरोपी सज्जन कुमार को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। कोर्ट ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन कुमार को इस मामले में दोषी करार देते हुए उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई है, साथ ही 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। आपको बता दें कि सज्जन कुमार को निचली अदालत ने बरी कर दिया था, लेकिन जस्टिस एस मुरलीधर विनोद गोयल ने सज्जन कुमार को हत्या, साजिश और दंगा भड़काने व भड़काऊ भाषण देने का दोषी करार देते हुए उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई है। सज्जन कुमार को 31 दिसंबर तक सरेंडर करना है और इस दौरान वह दिल्ली नहीं छोड़ सकते हैं। गूगल ने खुलासा किया है कि वह न्यूयॉर्क में नए कार्यालय के निर्माण के लिए $1 अरब का निवेश करेगा। अमेजन और एप्पल की विस्तार योजना के बाद गूगल ने यह ऐलान किया है। समाचार एजेंसी एपे के मुताबिक कंपनी के ब्लॉग पर गूगल के वाइस प्रेसिडेंट ऑफ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर रूथ ओ राट ने कहा है कि नए कैंपस का नाम गूगल हैंडसन स्क्वायर होगा, जो 158,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में बनेगा और यह मैनहट्टन के सोहो और ग्रीनविक विलेज के बीच में होगा। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर अपनी ही सरकार के खिलाफ अनशन करने जा रहे हैं। राजभर ने कहा कि वह प्रदेश सरकार के खिलाफ अनशन पर बैठेंगे। पिछड़ी जाति को 27% आरक्षण की मांग को लेकर राजभर 24 दिसंबर से प्रदेश के सभी जिलों में अनशन की शुरुआत करेंगे। पटना पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि राफेल मामले पर कांग्रेस के झूठ का पर्दाफाश हो गया है। देश में कांग्रेस द्वारा बीजेपी के खिलाफ लोगों में झूठा और गलत संदेश दिया गया है, बीजेपी इसका खुलासा करेगी। यूपी के राज्यपाल राम नाईक ने इलाहाबाद संग्रहालय का नाम प्रयागराज संग्रहालय करने के प्रस्ताव पर सहमति दे दी है। सोमवार को राजभवन में हुई इलाहाबाद संग्रहालय समिति एवं कार्यकारिणी समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए राज्यपाल ने संग्रहालय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाने पर जोर दिया। इसके लिए उन्होंने 40 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी भी दी। सोमवार को शपथ लेने के कुछ घंटों के बाद ही कमलनाथ ने सूबे के उद्योगों में 70% रोजगार प्रदेश के युवाओं को देने के नियम पर हस्ताक्षर कर दिए। इसके मुताबिक राज्य के उन उद्योगों को ही इंसेंटिव यानी छूट दी जाएगी जिनमें 70% रोजगार स्थानीय लोगों को दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को ऐलान किया भारत मालदीव को आर्थिक विकास के लिए $1.4 बिलियन की मदद करेगा। इसके अलावा दोनों देशों के बीच 4 विषयों पर समझौता हुआ, जिसमें एक वीजा को लेकर सहूलियत देना भी शामिल है। मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद 3 दिवसीय भारत की राजकीय यात्रा पर हैं। उनकी यात्रा के दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति के साथ बातचीत की। अक्षय कुमार और रजनीकांत की फिल्म 2.0 के हिंदी वर्जन ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया है। तीसरे हफ्ते में चल रही फिल्म ने 17 दिनों में 180 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं केरल राज्य में फिल्म ने एक नया कीर्तिमान बनाया है। इसके बाद 2.0 को बिजनेस करने के लिए ज्यादा स्कोप नहीं रहेगा, क्योंकि अधिकतर स्क्रीन 0 को दे दी जाएंगी। मोबाइल और बैंक खातों को फिर से आधार कार्ड से जोड़ने की सुविधा होगी, हालांकि यह स्वैच्छिक होगा। टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में दो कानून बैंकिंग एक्ट एवं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में संशोधन के मसौदे को मंजूरी दी गई।
सरकार ने यह कदम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लिया है, जिसमें कहा गया था कि मोबाइल और बैंक खाते के लिए आधार की अनिवार्यता नहीं होगी। सरकार की कोशिश इसी सत्र में संबंधित विधेयक लाने की होगी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं।